फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो वेलकम टू माई फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो जहाँ मैं व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँगी और आज जाके कहता ना शुभ मुहूर्त आया है, बस वो मुहूर्त आ गया है और मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 PM, दिन के 1:30 बजे शुरू कर रही हूँ क्योंकि सोचा था कि मॉर्निंग से शुरू करूँगी, पर कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआती जो काम होता है उसको सोचते कुछ है, होता कुछ है करते हुए। सो सुबह का सोचा था पर टाइम नहीं मिला और थोड़ा सा हैक्टिक भी हो गया क्योंकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही अपना घर शिफ्ट किया है। सो काम बहुत सारा था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू कर दिया है, दिन से ही शुरू। सो आप देख सकते हैं कि मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई, और वैसे भी ना व्लॉगिंग नहा धो के बनानी चाहिए यार, सुंदर सुंदर तो लगे तभी तो आप व्लॉग देखोगे मेरा, नहीं तो सोचा कि पता नहीं कहाँ से आ गई उठ के। सो नहा धो के फ्री हो गई हूँ और मैंने लंच भी बना लिया है, और मेरे हस्बैंड अभी लंच करने आएंगे ऑफिस से। सो हम लोग खाना खाएंगे, तभी मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो व्लॉगिंग शुरू कर दी जाए, इससे अच्छा मुहूर्त क्या होगा। सो अब हम खाना खाएंगे, लंच करेंगे और देखते हैं मैंने खाने में क्या बनाया है, और आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने खाने में क्या बनाया है। सो चलिए देखते हैं लंच में क्या बनाए। सो मैंने बनाई है दाल, ये है अरहर की दाल। आप सोचेंगे इतनी सी दाल, सो दो जनों के लिए ना इतनी सी दाल सफिशिएंट रहती है। हम दो ही जने रहते हैं घर में और हम थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं ताकि वेस्ट ना हो, कम पड़ जाए एक बार के लिए, पर वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सो मैंने बनाई है अरहर की दाल, सैलेड और साथ में होगी चपाती। तो एक दिन मैं आपको घर का टूर भी दिखाऊंगी जल्दी, और उससे पहले आप मुझे अच्छा सा रिस्पांस दें। मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा, और मैं पूरा जो है अपने घर का टूर दूंगी आपको कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, एंड पूरा सब कुछ बताऊँगी आपको ताकि आप मेरे बारे में अच्छे से जान सकें। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, लाइक करना ही करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, ऐसे तो हम आपको नहीं जाने देंगे। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा बहुत भी चिल्लू सा भी पसंद आया हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं व्लॉग्स डालूंगी अपने डेली के जहां मैं आपसे बात करूंगी खुल के। एक कनेक्शन बनता है व्लॉगिंग से, आप जानते हैं हमारे बारे में और जब आप वहां कमेंट करते हैं तो हम जानते हैं आपके बारे में। सो एक कनेक्शन बन जाता है वीडियो बनाने और देखने वाले के बीच में। तो यहाँ पे जो मैंने लिप शेड लगाया है वो मैं आपको बता दूँ, ये है मेबलिन इन दी शेड 690 सीरेन इन स्कारलेट। यू कैन सी अगर ये जूम करे तो ओके, तो मैं इसका शेड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको अच्छा लगे तो। ये हल्का सा ऑरेंज रेडी जो कलर होता है उस कलर में है, एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो ये आप पे बहुत बहुत अच्छा सूट करेगा, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है तो भी ये आपके स्किन पे अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर हल्का सा ऑरेंज रेड कलर है। सो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं, बट फेयर स्किन टोन वालों पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अगर आप चाहते हैं ये वाली ट्राई करना तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। बुलेट लिपस्टिक है और क्रीमी मैट है, थोड़ी देर तक क्रीमी रहती है पर उसके बाद ये मैट हो जाती है, फुली मैट नहीं है। सो अगर आप देख रहे हैं रेड के अंदर अच्छा शेड तो ये बहुत अच्छा शेड है, मेबलिन है तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। सो अभी मैंने खाना खा लिया, लंच कर लिया है, और लंच के बाद मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं हो गई हूँ फ्री। सो मैं आपको बता दूँ कि अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ लंच के बाद, 1-1.5 घंटा सोती हूँ, और उसके बाद फिर जब वो शाम को आ जाते हैं तब साथ में चाय पीते हैं। सो आज मैं व्लॉग जो है बहुत छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग के लिए थोड़ा एक होता है ना कि डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाए कि हम व्लॉग बना रहे हैं, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो इन्जॉय कीजिएगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से फुल वीडियो आने वाले हैं पूरे, सुबह से लेकर पूरा जो डे का पूरा रूटीन रहता है वो, प्लस प्रोडक्ट रिव्यू भी साथ में चलेगी क्योंकि जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ, जो चीज़ बेटर है, बेस्ट है, वही मैं चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, और कोई भी फेक मैं यहाँ पे रिव्यू बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ, जो सच है वही बोलूँगी। सो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री 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 है।